हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये जो कंपनी है ये एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि जो HDFC ग्रुप है, तो HDFC की HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ, अच्छा ये जो कंपनीज इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं HDFC की, तो वैसी स्मार्ट लिंक होल्डिंग की 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिसका नाम है डिजिसोल। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, एक टेलीकॉम करके कंपनी है और उसके अलावा एक सिनर्जा करके एक कंपनी है, यानी कि 3 सब्सिडरी कंपनी अभी हमें स्मार्ट लिंक होल्डिंग की नज़र आती है, यानी कि ये एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर में हमें 3 कंपनी नज़र आती है। ये कंपनी क्या काम करती है? देखिए, ये जो कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, उसके बिजनेस में ये कंपनी काम करती है, यानी कि उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाती है और उसके रिगार्डिंग जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंपनी क्या बिजनेस करती है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए सिर्फ 171 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जिसमें से अगर हम देखेंगे जो 20% हमें आज बढ़ता हुआ नजर आया है, तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ का मार्केट कैप तो आज ही बढ़ा है, यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे में ये 150 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली ये कंपनी थी। देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, तो इससे मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात इससे मैनिपुलेट करना है। इसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये 0.89 टाइम्स है, यानी कि 193 की हमें कंपनी की बुक वैल्यू नज़र आती है। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी इसका जो स्टॉक प्राइस है 171 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू है उससे 22 रुपीज अभी हमें ये नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो पी रेशियो का नंबर है वो हमें यहाँ पे 17 का नज़र आता है, लेकिन देखिए जो अधिकतर स्मॉल कैप कंपनीज होती है इनका पी रेशियो लगभग इतना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होती है, तो मार्केट जो इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं उन्हें जितना पी देता है तो वो उन्हें नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री का पी है उससे हमें इसके वैल्यूएशन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, अब क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 1920 में बुरे तरीके से हमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिरते हुए नजर आए थे, और 2021 में भी हमें अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 करोड़ का हमें कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम होता हुआ नजर आया था। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 10 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कमाया था, तो वो मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए 3 साल लगातार यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, लेकिन उसके बाद अगर 10 करोड़ का अगर प्रॉफिट होगा तो सीधी सी बात है कि मार्केट उसे पॉजिटिव वे में लेगा। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 69% का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। देखिए, जब इतना प्रमोटर्स के पास होल्डिंग होती है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे 69% का होल्डिंग है, तो यानी कि जरूर इस कंपनी में कुछ ग्रोथ होगी, तभी इनके प्रमोटर्स ने इतनी होल्डिंग रखी हुई है, तो ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो बाकी की जो भी होल्डिंग है वो यहाँ पे हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास की नज़र आती है, लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे तो लगभग जो 150 से 200 करोड़ की जो कंपनीज होती हैं तो वहाँ पे हमें जनरली हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे म्यूचुअल फंड है, जो FIIs है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनका इन्वेस्टमेंट अगर कहीं होता है तो वहाँ पे उसे पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 69% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है, ये बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इसे पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स के अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर्स से यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स के नंबर है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 12 करोड़ का रेवेन्यू, फिर उसके बाद में 15 करोड़ का और उसके बाद में 18 करोड़ का, यानी कि हर क्वार्टर में यहाँ पे 3 करोड़ की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उतना ही कंपनी का एक्सपेंस हो गया था, तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 0 हो गई थी, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था और यहाँ पे 3 करोड़ का, तो देखा जाए तो लगभग अभी कंपनी 9 से 10 करोड़ का हमें प्रॉफिट कमाती हुई नजर आ रही है, अगर हम पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो। लेकिन देखिए, अभी
अगर ये 2 करोड़ के प्रॉफिट को 3 करोड़ को अगर हम माने तो लगभग 2 क्वार्टर का मिला के ये 5 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो अगर ये परफॉर्मेंस अगर कंपनी का रहता है तो वहाँ पे 10-11 करोड़ का पूरे ईयर का कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे 17 का पी है, लेकिन अगर ये 20% अगर रोज बढ़ता रहता है तो वहाँ पे ये पी रेशियो का नंबर हमें 20-25 तक जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो वहाँ पे थोड़े हमें वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आने लगेंगे। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 2 साल ये कंपनी लॉस में थी तो यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर नेगेटिव ही है। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर सिर्फ 5% है। लेकिन देखिए बहुत ही छोटी सी कंपनी है, तो ये जो छोटी कंपनीज होती है इनका जब रेवेन्यू ग्रोथ काफी फिनोमिनल हो जाता है तो तब रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स वहां पे हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो जिस लेवल पे कंपनी है तो उस लेवल पे ये कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये उतना ही रहने वाला है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो ये भी अगर हम देखेंगे तो 5.28% है, लेकिन जो रिटर्न ऑन एसेट का नंबर है ये 4.51% है। तो अगर हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज हमें अभी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन जैसे जैसे एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी में होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाली जो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, तो जब वो यहाँ पे फॉलो होना शुरू हो जाएगा तो एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएंगे और एट दी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर भी हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने कम किया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी हुई है और अभी 8.41 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी अभी कमा रही है उसका मतलब 8 टाइम्स, यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 8 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और डेट भी यहाँ पे कोई कंपनी का कोई ज़्यादा खास नहीं है, लगभग 30 करोड़ का ऑन डेट कंपनी के ऊपर डेट है और लगभग अगर हम देखेंगे तो 80-90 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसके मुकाबले अराउंड उसका 55% नीचे हमें ये कंपनी का डेट का नंबर देखने को मिलता है। तो डेट के रिलेटेड हमें यहाँ पे स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स के लिए कोई डेट के रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। अब देखिए 171 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और पिछले 5 साल का इसने आज ऑल टाइम हाई बनाया और अराउंड 20% ये स्टॉक आज ऊपर था। देखिए अगर हम देखेंगे स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये सीधा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन देखिए ये अगर हम देखेंगे सिर्फ लगभग 150 से 200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो देखा जाए तो एक 10 से 15 करोड़ का भी अगर आपके पास फंड पड़ा है तो आप इजीली स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन ये स्टॉक मुझे लगता है ऐसा बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी हमें अच्छी नजर आती है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्या मेजर प्रपोर्शन आपने इस स्टॉक में देना चाहिए वो मेरे ख्याल से गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मुझे लगता है कि टोटल ये स्पेक्यूलेशन एक हाई स्पेक्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जितना रिस्क अगर आपका एपेटाइट थोड़ा हाई है तो ही मेरे ख्याल से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि 20% का अपर सर्किट अगर आज लगाया तो आने वाले 1-2 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि 20% का हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आप सीधा 1 लाख रुपीज़ अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो सीधा 20% अगर आपका ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपको सीधा आपकी कैपिटल पे आपको 20% का लॉस होगा। तो देखिए आपको आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि मनी आपको लूज नहीं करना है, भले ही आप 10 रुपये कम कमाओगे लेकिन मनी लूज नहीं करना, ये आपका मेन गोल होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो देयर इज नो इश्यू, यहाँ पे कंपनी अच्छी लग रही है, फंडामेंटली कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं, लेकिन मेजर प्रपोर्शन आपके पोर्टफोलियो का इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिल रही है और खास करके अभी Q3 के नंबर्स भी अभी अगर हम देखेंगे 2 से 3 हफ्ते में आने वाले हैं, तो अगर ये नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये स्टॉक अगर 20% का ही अपर सर्किट रहता है मुझे लगता है कि 250 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको स्मार्ट लिंक होल्डिंग के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।